वेलकम टू सोनी विजन चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपनी सेल्स को बूम कर सकते हो। देखिए, आप हो सकता है एक स्टार्टअप हो, नया नया बिजनेस चालू कराओ, या ऑलरेडी एक बिजनेस के अंदर स्टक हो चुकी हो क्योंकि आप सेल्स नहीं ला पा रहे, पैसा नहीं ला पा रहे। अब एक्सपेंसेस तो फिक्स है बट सेल्स ऑटोमेट नहीं है। सेल्स के लिए डेली आपको मेहनत करनी पड़ती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कोई बड़े प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि बड़े ऑफर्स लेकर आओ, ये लेकर आओ, बड़ा मार्केटिंग में एक्सपेंस खर्च करो। मैं आपको ऐसे तरीके देने वाला हूँ जिसमें ना तो आपका ज़्यादा पैसा लगेगा और जिसकी मदद से आप अपनी सेल्स को ऑटोमेट कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने बिजनेस के अंदर मॉडल्स को डिफाइन करो। B2B, B2C, B2B, B2C। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन्स कम है, आपको लगता है मार्केटिंग का पैसा नहीं है, तो कंज्यूमर्स को मत पकड़ो। बहुत दिक्कत होती है जब लो मार्जिन्स में आप ऑपरेट करते हो कंज्यूमर के साथ। आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर जाना है, देखना है मैं किस बिजनेसमैन को बेच सकता हूँ। B2B मॉडल बहुत तरीके से आपको मदद करेंगे। जैसे लेट सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छी हो, तो बिग बाजार, रिलायंस, इन पे कहीं आइटम्स होते हैं जो इनकी ब्रांड से बिकते हैं, बट ये एक भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। आप इनको अप्रोच करिए, आप सोप्स अच्छा बनाते हैं इनको अप्रोच करिए, शैम्पू अच्छा बनाते हैं इनको अप्रोच करिए, कोई भी एक ऐसा आइटम जो बहुत अच्छा बनाते हैं हाउस होल्ड में बिकता है, तो इनको अप्रोच करिए, बिग बाजार को, रिलायंस को, ये बड़ी रिटेल चेन शॉप्स को। वो आपको मदद करेंगी सेल्स के अंदर और हो सकता है वाइट लेबलिंग में आपका माल उठा ले। दूसरा तरीका होता है B2C। अब B2C में तब जाना चाहिए जब पता है मेरा प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, सपोर्ट सिस्टम बना सकता हूँ, कस्टमर्स को डायरेक्टली हैंडल कर सकता हूँ, तो B2C मॉडल को चूज करिए। अब होता है B2B2C, ये क्या होता है, ये होता है सबसे धांसू मॉडल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व होता है, कंज्यूमर भी इन्वॉल्व होता है। देखिए, B2B के अंदर है ना, आपकी ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती, आप वाइट लेबलिंग करते हो, सामने वाले की ब्रांड बिल्डिंग होती है, बट फायदा क्या रहता है, रेगुलर पैसा आता है, सेल्स की टेंशन नहीं है। B2C में ब्रांड बिल्डिंग तो आपकी हो रही है, बट दिक्कत क्या है, आपको ज़्यादा पैसा कंज्यूमर के लिए खर्च करना पड़ता है मार्केटिंग के लिए, जिससे कंज्यूमर आए। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है, जो तीसरा मॉडल मैंने बताया B2B2C, इसके अंदर टू नॉन कंपीटिंग ब्रांड्स जो सेम कस्टमर को सर्व कर रही है वो कोलैबोरेट हो जाती है, मतलब वो आपस में मिल जाते हैं और फिर कस्टमर को सर्विस देते हैं। उससे होता क्या है, दोनों ब्रांड्स की ब्रांड बिल्डिंग होती है, कस्टमर एक है तो मार्केटिंग का एक्सपेंस बढ़ गया, उससे दोनों ब्रांड को प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मैकडोनल्ड्स एंड कोका कोला, कितने भी आप मैकडोनल्ड्स में चले जाओ हमेशा आपको कोक ही मिलेगी। रीज़न, कोलैबोरेशन है, अब कस्टमर सेम है, कस्टमर फास्ट फूड खाना चाहता है तो इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया। एप्पल एंड नाइकी, क्यों, दोनों क्लासी हैं, एप्पल वाला भी प्रीमियम चीज चाहता है, नाइकी वाला भी प्रीमियम चीज चाहता है, तो दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया। पूमा एंड BMW, क्यों, पूमा भी महंगे कपड़े बेचता है एंड BMW का कस्टमर भी क्लासी होगा, तो आपस में दोनों ने कोलैबोरेशन करा, इससे इनका मार्केटिंग एक्सपेंस बचा और दोनों ब्रांड्स आपस में मिलकर पैसा कमा रही है। और एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले मैं विस्तारा के बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल कर रहा था, अब वहाँ पे मैंने देखा उन्होंने बहुत अच्छा परफ्यूम दिया स्किन का। अब देखिए, विस्तारा किसकी एयरलाइन है, किसका पैसा लगा है, टाटा का। स्किन परफ्यूम किसकी कंपनी है, टाटा की। अब विस्तारा के बिजनेस क्लास में कोई ट्रैवल कर रहा है तो डेफिनेटली वो अच्छा खासा पैसा कमाता होगा, परफ्यूम्स को यूज़ करता होगा, प्रीमियम ब्रांड्स को यूज़ करता होगा, और स्किन परफ्यूम मार्केट के अंदर एक प्रीमियम ब्रांड है, तो वहाँ से उनको एडिशनल कस्टमर्स मिल गए। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करो, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा तरीका, कॉन्टेंट इज़ द किंग। देखिए, अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है ना, कंटेंट मार्केटिंग आज के टाइम में बूम पे चल रही है। आज के जितने भी बिजनेसेस हैं जो बूम कर रहे हैं वो कंटेंट की मदद से कर रहे हैं। अगर आप फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 100 लोगों को देखोगे ना, तो उनमें से 25% लोग कंटेंट मार्केटिंग की कंपनी चला रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे क्या है, ये कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इवन अमेजोन भी क्या है, कंटेंट बेस्ड है। अमेजोन खुद थोड़ा स्टॉक मेंटेन करता है, अमेजोन तो सेलर से खरीदता है और बायर तक पहुंचा देता है।
अमेजोन तो कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप आइटम्स को चेकआउट कर सकते हो। इवन आजकल मैंने सोशल मीडिया पर देखा एक रजनी नाम की बाई ने बर्तन का रेट लगा दिया 2000 रुपये, झाड़ू 1000 रुपये। एक विजिटिंग कार्ड बहुत अच्छा सा बना दिया, बर्तन 2000 रुपये, झाड़ू 1000 रुपये। अब वो चीज़ वायरल हो गई। तो आप ऐसा कुछ सोच सकते हो, ऐसा कुछ कंटेंट बनाओ जो कंज्यूमर को हिट करे, जो वायरल हो। जैसे मिस्टर इंडियन हैकर है, अब इनका यूट्यूब चैनल देखिए, ये वायरल कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट ठीक है बट वायरल कंटेंट है, हर बंदा एक बार उसको देखेगा। इवन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को देखिए, ये भी वायरल कंटेंट बनाते हैं। अब देखिए ये किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेस के बारे में बताते हैं, बिजनेस के टिप्स देते हैं, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है ये सब सिखाते हैं। लेकिन ये केस स्टडी लेकर आते हैं, ये केस स्टडी लेकर आते हैं हीरोज़ की। अब आप सोच रहे होंगे ये इलॉन मस्क की केस स्टडी, इंडियन हीरोज़ की केस स्टडी, भगत सिंह की केस स्टडी, इन सब की केस स्टडी क्यों ला रहे हैं, महात्मा गांधी की केस स्टडी। रीज़न समझाता हूँ, ये जनता को अपने साथ जोड़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो इनको सर्विसेज एंड कोर्सेज ही बेचने, तो इनको सिर्फ ट्रैफिक बढ़ाना है अपने यूट्यूब चैनल को, और उसको डाइवर्ट करना है वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। बियर बाइसेप्स रणवीर अलाहाबादिया, ये भी क्या कर रहा है, कंटेंट ही तो बना रहा है। कंटेंट की मदद से ये अपने बिजनेसेस की तरफ ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करता है, उससे इनकी सेल्स बढ़ती है, बिजनेस ग्रो होता है। अब जोमेटो की आपसे बात करूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, आप कभी जोमेटो कंपनी का इंस्टाग्राम या लिंक्डइन देख लेना, डेली है वायरल कंटेंट बनाते हैं जो हमेशा ट्विटर लिंक्डइन इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हो जाता है। तो ये सोचो आप कैसे वायरल कंटेंट बना सकते हो, वन टाइम कॉस्टिंग लगती है, लाइफ टाइम रिटर्न आता है। आप वेबिनार्स करो, सेमिनार्स करो, उनसे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। देखो आज हम भी हर महीने 15 से 20 वेबिनार एंड सेमिनार कर रहे हैं, उससे क्या है मेरी कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, विजिटर्स मिल रहे हैं, और वो विजिटर्स अल्टीमेटली कस्टमर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये जब हमारी कंपनी ने रिसर्च करी, डेटा को एनालिसिस करा, तो हमने एक चीज़ देखी, जो पर्सन जो विजिटर वेबिनार सेमिनार से आ रहा है उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ऐसा कस्टमर और कंज्यूमर 25% ज़्यादा है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रांजल कामरा जी की ये कंपनी है, अब इसमें देखिए फिनोलॉजी के अंदर वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, 40+ लोगों की टीम है, करोड़ों में इनका रेवेन्यू है, बट आज भी इनके पास सेल्स टीम नहीं है। पूछो क्यों, रीज़न ये है कि यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे इनका बहुत वायरल कंटेंट आता है। अब उस कंटेंट को लोग देखते हैं, अच्छा लगता है, इनकी वेबसाइट पर जाते हैं। अब हो सकता है इनका कंटेंट देख रहे हो 10 लाख लोग, वेबसाइट पर जा रहे हो 1 लाख लोग, उसमें से हर महीने 10,000 लोग इनके कंज्यूमर बन रहे हो और 500 रुपये पर मंथ इनको पे कर रहे हो। तो सोचिए कंपनी को कितनी सेल्स पर मंथ मिल रही है विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट और विदाउट एनी सेल्स पर्सन। तो ये चीज़ आपको देखनी कि आप कैसे वायरल कंटेंट बना के कंज्यूमर को अपने तक ला सकते हो। तीसरी चीज़ प्रोसेस ड्रिवन। देखो अगर आप एक छोटे स्टार्टअप हो, बिजनेसमैन हो, प्रोसेस लेकर आओ भैया, प्रोसेस के बिना कभी ऑटो पायलट नहीं होता है, सही बता रहा हूँ। सेल्स मार्केटिंग लीड्स सबके प्रोसेस होने चाहिए कंपनी के अंदर। सोर्सेज ऑफ लीड्स को डिफाइन करो, मतलब डेली लीड्स कहाँ से आएगी, डेली लीड्स कहाँ से आएगी इसको लिखो, नहीं लिखोगे काम नहीं चलेगा। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपके घर में नल है, जी हाँ होगा, उसमें पानी आता है, जी हाँ आता है, उससे आप बाल्टी भरते हो, जी हाँ भरते हो, कभी ऐसा होता है कभी आप हैंडपम्प से ला रहे हो, कभी कुएं से ला रहे हो, कभी नदी के पास जा रहे हो, कभी ऐसा होता है या डेली नल का यूज़ करते हो, डेली नल का यूज़ ही करते हो ना। सेम विथ लीड्स, प्रोसेस को डिफाइन करो कि भैया ये 10 सोर्सेज हैं लीड्स के, वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, B2B, इन सोर्सेज से लीड्स आएंगी, इन्हीं पे फोकस करना है, ना कि हम हर दिन नया कुआ, नया हैंडपम्प, नया नल लगा रहे हो, नहीं। एक बार लीड्स को लिखो, सेम प्रोसेस मैं भी मेरी कंपनी के अंदर फॉलो करता हूँ, मैंने लीड्स के प्रोसेस को रिटर्न डाउन करवा रखा है कि ये मेरे लीड्स के प्रोसेस है। अब टॉप क्वालिटी टैलेंट मैं फाइंड आउट करता हूँ मेरे लीड्स के सोर्सेस के लिए, ऐसा नहीं है कि मैंने लीड्स के सोर्स पे एक एवरेज आदमी को बिठा रखा है, वहाँ पे मैं एक टॉप टैलेंट को बिठाता हूँ जो मेरे से एक्सपर्ट होगा, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट होगा, क्यों, तभी तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, मेरे लीड्स और धंधा लेकर आएगा। अब उसके बाद क्या है, वो कन्वर्जन देखता है, लीड्स ज़्यादा लेकर आता है। और देखिए सेल्स और लीड्स के ऊपर है ना, यहाँ पे बहुत हार्ड कोर स्किल्स चाहिए होती है, कभी भी आम बंदा एवरेज बंदा यहाँ मत बिठाना, यहाँ पे आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए जो बात करने में, लीड्स लाने में, सेल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। चौथा तरीका जिससे आप अपनी सेल्स को ऑटोमेट कर सकती हो वो है फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आना। आप मास्टर फ्रेंचाइजी, स्मॉल फ्रेंचाइजी, माइक्रो फ्रेंचाइजी, इनकी मदद से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। देखिए अगर आपको किसी और स्टेट के अंदर एक्सपेंशन करना है, सिटी के अंदर जाना है, आपके पास पैसे नहीं है,
आप कैसे एक्सपेंशन कर सकते हो राइट बिजनेस पार्टनर के साथ। अब इसमें फायदे क्या है, सबसे पहली चीज आपको वहाँ मैन पावर नहीं लगानी, आपको पैसे नहीं लगाने, और तीसरी चीज आपको रॉयल्टी मिलती रहती है फ्रेंचाइजी से। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल रहता है अगर आज के टाइम में आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। और अभी तक हमने 300 प्लस फ्रेंचाइजी मॉडल बना दिए, प्लस मैंने 500 प्लस फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी को कंसल्ट करा है फ्रेंचाइजी मॉडल्स के ऊपर, एग्रीमेंट्स के ऊपर। अगर आपको भी अपने बिजनेस के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल को, माइक्रो फ्रेंचाइजी मॉडल को इंप्लीमेंट करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पांचवें मेथड की, ये रेफरल मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड रहता है सेल्स को बूम करने का इनिशियल डेज के अंदर, छोटे स्टार्टअप के लिए, छोटी कंपनीज के लिए काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, कस्टमर को सर्विस देने के बाद, प्रोडक्ट बेचने के बाद, जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो, 5-स्टार रिव्यू दे, उसको एक चीज़ बोलो, क्या सर आप मुझे 5 या 10 लोग रेफर कर सकते हैं या उनकी लीड दे सकते हैं जिनसे मैं और लोगों को सर्विस दे सकूं और प्रोडक्ट सेल कर सकूं। देखिए, अगर किसी ने आपको 5-स्टार रिव्यू दिया है, फीडबैक दिया है ना, तो रेफरल देने में कोई एक बार भी नहीं सोचेगा, उसको लगेगा ठीक है मेरे को सर्विस अच्छी मिली, प्रोडक्ट अच्छा मिला, मैं 10 रेफरल दे देता हूँ। और आप भी क्या कर सकते हैं, अगर उनके रेफरल्स काम के निकल रहे हैं, उनसे फीडबैक अच्छा मिल रहा है, तो आप उस कस्टमर को कुछ एडिशनल बेनिफिट दे दो, कोई सर्विस या चीज़ फ्री के अंदर दे दो, जिससे उस कस्टमर को लगे कि हाँ मैंने इस पर्सन को 10 से 15 लीड्स दी थी और इससे मुझे फ़ायदा हुआ। देखिए, हर आदमी कोई ना कोई चीज़ अपने फ़ायदे के लिए करता है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। इससे आपका बिज़नेस कैसे बढ़ेगा, आपके पास 10 कस्टमर थे, उनसे आप जाके मिले। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप एक वेबसाइट बनाते हो, अब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 10 कस्टमर ही थे, उनसे आप मिल लिए, आपने उनसे बात कर ली, 10 में से 5 कन्वर्ट हो गए। अब 5 कस्टमर के 5-स्टार फीडबैक आए, उनको बोलो मुझे 10 कस्टमर के और नंबर दे दो। इससे देखिए 5 × 10 ये होता है 50, 50 नई लीड्स आपके पास आ गई, उसमें से 20 कन्वर्ट हो गई, उन 20 को वापस बोलो क्या आप मुझे 10 नई लीड्स दे सकते हैं, 10 नए रेफरेंस दे सकते हैं, उनसे आपको 200 नई लीड्स मिल गई। तो ऐसे करके आपका बिजनेस बूम करेगा। ये बहुत अच्छा मेथड रहता है अगर आप MLM, डायरेक्ट सेल्स या फिर कोई सर्विस बेच रहे हो। काफ़ी जल्दी आपका बिजनेस ग्रो होगा, प्लस मार्केटिंग में कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। 6 चीज, यह है वेबसाइट प्लस SEO। देखिए, अगर आपको आज के टाइम में ऑनलाइन सेल्स चाहिए, ग्रो करना है, तो अपनी एक वेबसाइट बनवाओ, और सिर्फ वेबसाइट मत बनवाओ, उसका SEO करवाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में मैं देखता हूँ 1-2 लाख की वेबसाइट बना लेंगे, बट मैं पूछता हूँ SEO पे कितना खर्चा करा, 0। गलती है भाई आपकी, आप 80 लाख की ऑडी कार ले रहे हो, ऑडी में पेट्रोल और डीजल कितने रुपये का डलवा रहे हो, 0। SEO के बिना वेबसाइट किसी काम की नहीं है, चाहे 1 करोड़ की वेबसाइट बना लो, बट जब तक SEO नहीं करवाओगे वो वेबसाइट आपको 0 रिजल्ट देगी। इसीलिए 10,000 या 15,000 की वेबसाइट बनाओ, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आओ उससे एग्रीमेंट करो, या वेंडर से एग्रीमेंट करो कि भैया 10,000 वेबसाइट के दूंगा और साल भर का SEO कोटेशन दे पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ उससे डेटा मंगाओ, पूछो कि क्या ग्रोथ आई, कितना ट्रैफिक बढ़ा, कितनी लीड्स जनरेट हुई, कितने कस्टमर मेरे पास आए। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, शाउट मी लाउड, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो हर्ष अग्रवाल जी की है, जो कि बहुत बड़े ब्लॉगर है। आज ये अपनी ई बुक और कोर्सेज बेचते हैं, और क्या आपको पता है इनकी कोई सेल्स टीम नहीं है। वेबसाइट का SEO बहुत स्ट्रांग है, हजारों लोग पर डे इनकी वेबसाइट पर आते हैं, ई बुक खरीदते हैं, कोर्सेज खरीदते हैं, और ये डॉलर्स के अंदर अपनी ई बुक और कोर्सेज को बेचते हैं। तो देखिए, आज ये हजारों डॉलर्स पर मंथ सिर्फ वेबसाइट की मदद से कमा रही, कोई सेल्स टीम नहीं है। कैसे कमाया इन्होंने, सिर्फ एक वेबसाइट बनाई, इनकी वेबसाइट बहुत बेसिक है आप देखिए, बट SEO टॉप क्वालिटी है, जहाँ से इनके पास लीड्स आती हैं। और आपको बताऊँ ना, एक अच्छा SEO का बंदा 10 से 15 हज़ार के बीच में आ जाता है, जो आपके वेबसाइट का आपको SEO करके दे देगा, हर महीने उसकी रैंकिंग इंप्रूव करता जाएगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको लीड्स आएंगी और आपके लीड्स ऑटोमेट होंगी, जिनकी मदद से आप सेल्स को ऑटोमेट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेल्स के प्रोसेस एंड लीड्स के प्रोसेस, जिनकी मदद से आप अपने स्टार्टअप और बिजनेस के अंदर सेल्स के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो और डे बाय डे ग्रो कर सकते हो। देखिए, बिजनेसेस पता कैसे बड़े होते हैं, वो बड़े होते हैं सेल्स से। अगर आपके स्टार्टअप में लोन नहीं लेना चाहते हो, फंडिंग नहीं लेना चाहते हो, तो सेल्स पे फोकस करो। सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सेल्स के बंदे हायर करना सबसे मुश्किल टास्क होता है। समझाता हूँ, अगर मैं मेरी कंपनी के अंदर
सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर 10 सीवी की रिक्वायरमेंट डालूंगा ना, 10,000 सीवी उठ के आ जाते हैं। क्यों? इंडिया में बचपन से सिखाया जाता है सेल्स मत करो, मुश्किल टास्क से सेल्समैन नहीं बनना, हमें सर्विस वाला बनना है, हम सिस्टम में बैठे बैठे काम कर लेंगे 15,000 की नौकरी पे, बट हम सेल्स नहीं करेंगे, बचपन से माइंडसेट में डाल दिया जाता है। इसीलिए इंडिया के अंदर सेल्स के बंदे ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर मैं 1,000 सीवी की रिक्वायरमेंट डालूंगा ना, तो जाके मुझे अच्छे 10 सीवी मिलते हैं सेल्स के। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, इंडिया में सेल्स वाले मार्केटिंग वाले अच्छे नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से इंडस्ट्री को देखा जाता है। सेम सर्विस इंडस्ट्री के अंदर वहाँ हजारों लाखों लोग आपको मिल जाएंगे। सेम विथ ऑर्गेनिक SEO, अगर आपको ऑर्गेनिक SEO करवाना है ना, तो भैया 10,000 लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके 10 बंदे राइट मिलेंगे आपको। बट वेबसाइट बनानी है तो 1,00,000 लोग आ जाएंगे, क्योंकि इजी काम है, टारगेट नहीं है। बट जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, टारगेट आ जाता है, ठीक है, वहाँ लोग नहीं मिलते, वो लोग करना ही नहीं चाहते, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी। बट रुकना मत, CV की क्वांटिटी बढ़ाओ। मैं यही करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे राइट बंदा लेकर आना है, आप उसके लिए मुझे 100 इंटरव्यू लेने पड़े, 200 इंटरव्यू लेने पड़े, 300 इंटरव्यू लेने पड़े, मैटर नहीं करता। राइट बंदा जब तक नहीं आएगा, मैं उस प्रोसेस के ऊपर नहीं बिठाऊंगा, कि मैंने कसम खा रखी है, आप भी खाओ। कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो आ रहा है, जैसे आ रहा है उसको बिठा देते हैं, पूरे जीवन भर रोते रहते हैं। नहीं, राइट बंदा राइट पोजीशन पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो लाइफ टाइम आप रोते रहोगे, लाइफ टाइम ग्रो नहीं कर पाओगे। सेल्स एंड सिस्टम के प्रोसेस, कैसे आप सेल्स सिस्टम्स लीड्स इन सबको ऑटोमेट कर सकते हो और अपनी कंपनी एंड स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ आप कौन सी प्रॉब्लम अपने बिजनेस के अंदर, स्टार्टअप के अंदर फेस कर रहे हो, मैं डिटेल के अंदर उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।